युवा समाज संगठन साहा द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था कि आज साहा में हरियाणा शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण करना है। इनके मंत्रित्व मंत्रण देने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, पौधारोपण किया है। अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी इनकी सोच है कि जो पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारे वातावरण में इतना पोल्यूशन है, पेड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 10 पेड़ काटते हैं, 10 पेड़ों की जगह 100 से ऊपर पेड़ लगाने चाहिए। ये जो युवा संगठन ने नीति अपनाई है, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका पूरा सहयोग करेंगे। संगठन की ओर से मैं आज साहा SHO का व सरपंच मिठापर का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें युवा समाज सेवा संगठन को यहाँ आने का मौका दिया। और आज हरियाणा शहीदी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में युवा समाज सेवा संगठन ने यहाँ पर पौधारोपण किया है। और मैं सभी से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और जीवन को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो युवा समाज सेवा संगठन आज हरियाणा शहीदी दिवस मना रहा है। कोरोना को देखते हुए आज हमने पौधारोपण का कार्यक्रम सुनिश्चित किया था गांव मिठापुर में, और सरपंच साहब का हमारा पूरा सहयोग रहा है। और हम धन्यवाद करते हैं SHO साहब का भी, जिन्होंने अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ हमारे पौधारोपण इस अभियान में साथ दिया। हमारा अभियान मेरी बेटी मेरी छाऊं के तहत हम पहले भी पौधारोपण कर चुके हैं। ये दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हो गए थे, उन्हें नमन करते हुए गांव मिठापुर में पौधारोपण जो है संगठन द्वारा किया गया है। और मैं इस मौके पर अपने देशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध व स्वच्छ रह सके। और सब अपने बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या किसी भी मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गांव मिठापुर में युवा समाज सेवा संगठन साह की ओर से और हमारे साह के SHO बलकार सिंह जी ने पौधारोपण किया, उनका बहुत स्वागत है हमारे मिठापुर में। और आगे भी यही प्रेरित करते हैं हम तो सबको, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करें गाँव में अपने।